हेलो माय डियर फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इवडोग्राफी लाइव करके दिखाऊंगा। ये देखिए मेरे पास पेशेंट है, ये मैं प्लेन स्कैन ऑलरेडी ले चुका हूँ। ये देखिए प्लेन स्कैन और ये हो गया कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मैंने दे दिया। ये देखिए जब कंट्रास्ट देंगे किडनी में, किडनी हम लोगों को ऐसा वाइट वाइट दिखाई देगा, इसका मतलब ये होता है कि इसमें कंट्रास्ट आ चुका है। उसकी बात आपको जब इवडोग्राफी लेते हैं 7-8 मिनट में आपको डिले स्कैन लेना होता है, तो उसके लिए अभी देखिए मैंने डिले के लिए रिपीट ले लिया और सेम वही पोजीशन में थोड़ा सा देख लेना है आपको, साइड साइड अगर कम ज़्यादा ऊपर नीचे करना है तो वो आपको क्लियर कर देना है। उसके बाद जैसे आप डिले स्कैन लेंगे, फिर ये देखिए ये हमारी कॉन्ट्रास्ट वाली स्कैन है, ये स्कैन के ऊपर ही प्लानिंग करना होगा। तो ये प्लानिंग कंप्लीट हो गया, तो ये मैंने अच्छे से देख लिया, कहीं से काटा नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं हुआ, तो उस हिसाब से लेके मैंने अभी फिर दोबारा उसको स्कैन करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने कर दिया। अब इसको जैसे मैं गो करके स्टार्ट करूँगा तो हमारी डिले स्कैन आ जाएंगे। डिले स्कैन में क्या होता है, आपको यूरेथ्रा देखना होता है कि यूरेथ्रा के थ्रू से कॉन्ट्रास्ट हमारे ऊपर तक गया कि नहीं। अभी टाइम नहीं हुआ, ये पेशेंट देखिए लेटे हुए हैं और पेशेंट को बोलना है आपको हिलना नहीं है, आराम से लेटे रहना है। उसके बाद हमने ये देखा, ये देखिए आप लोग सही है, अब ये आ गया हमारी डिले स्कैन के लिए मैंने जो रिपीट लिया था वो वाली सीरीज है। इसको हम सब कुछ करने के बाद जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसमें खास करके ये देखना है कि यूरेथ्रा के थ्रू से, ये मैंने स्टार्ट कर दिया, ये अब मैं स्टार्ट करूँगा तो आप लोग देखिएगा यूरेथ्रा के थ्रू से कॉन्ट्रास्ट पूरा ऊपर से नीचे तक जा रहा है कि नहीं। ये देखिए स्कैन मैंने स्टार्ट कर दिया, ये स्कैन आना स्टार्ट हो गया। अब आपको देखना है किडनी से जो ये कॉन्ट्रास्ट निकाल के जा रहा है, ये यूरेथ्रा के थ्रू से नीचे की तरफ जा रहा है। आप लोग सही से देख पा रहा होगा शायद, तो ये जा रहा है कि क्योंकि इसमें जूमिंग का ऑप्शन नहीं है, तो ये स्कैन ले रहा है तो इसीलिए जूम नहीं होगा। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जूम करके। ये कंट्रास्ट एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया तरीके से आ चुका है, इस पेशेंट का कंट्रास्ट खूब बढ़िया से आया हुआ है। तो आपको देखना है कि हाँ कंट्रास्ट जा रहा है, ये देखिए इधर से और इधर से ये दोनों कंट्रास्ट जा रहे हैं, ये यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ आ गया और नीचे यहाँ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। मैं जूम करके आप दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए वाइट वाइट जो दिख रहा है ये आपको यूरेथ्रा है दोनों, ये दोनों यूरेथ्रा से देखिए खूब बढ़िया तरीक़े से ये जा चुका है। आप ऐसे जब बढ़िया तरीक़े से यहाँ तक यूरिनरी ब्लडर तक पहुँच जाएंगे, इसका स्कैन कम्प्लीट होता है और ये आपका सही से आ चुका है। तो इसके बाद आपको ये स्कैन ऑलमोस्ट कम्प्लीट है जब दोनों तरफ आ गया, अगर दोनों तरफ नहीं आते हैं तो आपको दोबारा रिपीट लेना होता है घंटे आधा घंटे के बाद। अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है तब आपको दोबारा लेना होता है। अब इस पेशेंट को दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका पहली बार में ही आपको पूरा आ चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक आ चुका है इसका। तो ये पेशेंट लेटा हुआ है और ये स्टडी मेरा ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, तो अब हम पेशेंट को निकाल सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के लिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि उसका इमेज रिकॉन हो जाए, उसके बाद हम पेशेंट को निकाल सकते हैं। अब ये देखिए स्कैन हमारी आ चुका है, ये हम स्कैन को खोल के देखेंगे। अब देखिए ये हो गया कंट्रास्ट वाला स्टडी, इसमें ये कंट्रास्ट तो है ही, मतलब ये डिलेट वाला है जिसमें आपको यूरेथ्रा के थ्रू से पूरा किडनी से लेके यूरिनरी ब्लडर तक पूरा किया हुआ इमेज है। तो ये हमने अब इसको कर सकते हैं क्लोज, क्योंकि ये हमारी विंडो खुला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो स्टडी कंप्लीट हो गया तो वो विंडो क्लोज हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ। ये देखिए रिकॉन हमारी कंप्लीट हो गया, अब हम खोलेंगे थीन वाली जो कट है, ये हमारी थीन वाला है जो यूरेथ्रा के थ्रू से डिलेट लिया था इसका है। ये देखिए खूब बढ़िया से आया हुआ है, तो इसको 3D रिफॉर्मेट में डाल के आपको दिखाता हूँ कि कंट्रास्ट कितना बढ़िया से इस पेशेंट का आया हुआ है। और आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, ये आप लोग सही से देख पा रहे हैं। इसमें मैं रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने के लिए अच्छा हो, फिर मैं इसका टेबल रिमूव करना होगा, तो साइड में ये जो प्लस का निशान है उसमें क्लिक करके आपको वहाँ पर मिल जाएगा टेबल रिमूव का ऑप्शन,
तो उससे आप टेबल रिमूव कर देंगे। और जैसे ही आपका ये देखिए आपका टेबल रिमूव हो गया, उसके बाद आप इसको घुमा के देख सकते हैं। तो इसको घुमाने का तो ज़रूरत ऐसे नहीं है तो पूरा उसको दिख रहा है, फिर भी आप घुमा के देख सकते हैं। तो ये देखिए मैं आप लोगों को भी घुमा के देख रहा हूँ और ख़ुद मैं भी देख रहा हूँ। ये देखिए खूब बढ़िया तरीके से आया हुआ है। ऐसे ही आपको यूरोग्राफी करना है। अगर कोई भी स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत परेशानी आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों को कौन सा स्टडी करके दिखाना है वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को कोई सा भी स्टडी करके दिखा सकता हूँ। ये पेशेंट का हो गया, ये पेशेंट उठने के लिए बोल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग देखते रहिए ऐसे।